जिला मंडी में उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में प्राकृतिक आपदा किस में राहत व बचाव कार्यों में उपयोग में लाई जाने वाली घटना प्रक्रिया प्रणाली पर एक पूर्ण अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों, संस्थाओं व स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया और भूस्खलन की चपेट में आई एक पर्यटक बस के प्रभावितों को सुरक्षित निकालने का पूर्ण अभ्यास किया। इस अवसर पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से मंडी जिला काफी संवेदनशील है और भूकंप, बाढ़, आगजनी, भारी बर्फबारी के अतिरिक्त भूस्खलन जैसी आपदाओं की संभावनाएं यहां बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्य को पूरी तत्परता व तीव्रता से क्रियान्वित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राहत व बचाव कार्यों के लिए घटना प्रक्रिया प्रणाली एवं सशक्त माध्यम है और मौके पर सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से इसे क्रियान्वित कर सके, इसी उद्देश्य से इस पूर्ण अभ्यास का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आपदा क्षेत्र में आवश्यक आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सर्वप्रथम सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक रणनीतिक प्रक्रिया है जो आमतौर पर संगठन में कार्यकारी स्तर तक सीमित रहती है। इस संगठन में सभी भाग एक सांझे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसमें चार क्षेत्रों में मुख्य रूप से कार्य किया जाता है, जिससे जोखिम न्यूनीकरण, खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधन तैयार करना, खतरे के कारण हुए नुकसान का आंकलन और आगे के नुकसान को सीमित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आज के पूर्ण अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस, गृह रक्षक वाहिनी, रेड क्रॉस सोसाइटी के सर्व स्वयं सेवक, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, दूर संचार सहित सभी संबंधित विभागों के व प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। पुल घराट के समीप भारी भूस्खलन के कारण एक पर्यटक बस के खाई में गिर जाने पर किस तरह राहत व बचाव कार्य किया जाए, आज के पूर्ण अभ्यास का यही विषय रखा गया है। इसके लिए IRS प्रणाली के तहत अंतर्गत एक कार्य क्षेत्र घटना स्थल के समीप चिन्हित कर वहां पर एक्सीडेंट्स कमांड पोस्ट, प्लानिंग एरिया, अस्थायी स्वास्थ्य शिविर व लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स व संचार प्रणाली के लिए शिविर लगाए गए। सर्वप्रथम घटना की सूचना प्राप्त होने से लेकर विभिन्न स्तर पर विभिन्न दल क्रम से अपने कार्य में जुट गए और राहत व बचाव अभियान समाप्त होने तक इस प्रणाली के सभी घटकों को पूर्ण अभ्यास में शामिल किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि इस तरह के पूर्ण अभ्यास आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों को क्रियाशील व अपडेट रखते हैं और आपसी समन्वय से कार्य करने में भी सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण अभ्यास के दौरान अगर किसी स्तर पर कोई कमी नजर आने पर उसमें नियंत्रण सुधार भी करने की संभावना रहती है। उन्होंने पूर्ण अभ्यास के लिए विशेष तौर पर NDRF बठिंडा से आए हुए सभी सदस्यों व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जुड़े सभी विभागों व अधिकारियों, स्वयं सेवियों का इस आयोजन में सहभागिता जताने के लिए आभार भी व्यक्त किया। मॉकड्रिल की एक्सरसाइज यहाँ पर रखी थी, विशेषतः लैंडस्लाइड को लेकर, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो वहाँ पर भूस्खलन कई जगह पर होता रहता है और अगर कोई ऐसा बड़ा हादसा हो तो हमें बाहर से NDRF की सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ी, तो NDRF की टीम को यहाँ पर बुलाना, उनके साथ लाइजनिंग करना और उनके द्वारा रेस्क्यू करना और उसके साथ ही हमारे भी जो पुलिस है, हमारे होमगार्ड्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो सर्व्स हमारे हैं और जो SDRF की हमारी कंपनी पंडो में होती है, उन सबको यहाँ पर आज बुलाया गया और एक सीक्वेंस में जैसे एक एक्चुअल सिचुएशन जब घटती है जिसमें जब इंसिडेंट होता है तो लोकल लोग पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी लोग उनसे रेस्क्यू किए जा सकते हैं वो रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद में पुलिस पहुँचती है, पुलिस के बाद हमारी QRT पहुँची है, होमगार्ड की टीम पहुंची है, उसके बाद में SDRF और अल्टीमेटली NDRF, तो सभी द्वारा यहां पर आज रेस्क्यू किया गया। आपसी कोऑर्डिनेशन का ये मेन हमारा मकसद रहता है इस ड्रिल्स में कि हम प्रशासन और जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं उनके बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं ताकि स्मूथ ऑपरेशन हो और उसे हमें सीखने का मौका मिलता है, तो यही उद्देश्य होता है इस मॉक ड्रिल का। तो आज यहाँ पर कूल ग्राट में मंडी में ये एक भूस्खलन का मॉक ड्रिल किया गया जिसमें कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई कि एक बस जो पैसेंजर बस है, टूरिस्ट की बस है, वो उसमें दब गई है और उसमें से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, डेड बॉडीज़ को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की और सब लोगों ने अपना अपना कार्य इसमें किया।